दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द पॉपर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिको मशीन के बारे में, जिसका कि मॉडल नंबर है MPC 2011। और इस मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्विस कॉल दिखा रहा है SC672-11। तो यहाँ में देखेंगे 672-11 करके सर्विस कॉल आ रहा है, फंक्शनल प्रॉब्लम। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मशीन का हम पावर ऑफ करेंगे। मशीन का हमने पावर ऑफ कर दिया है, और पावर ऑफ करने के बाद आपको बैक साइड में लेकर आएंगे। अगर आपके पास मैनुअल है तो आप मैनुअल फॉलो करिए, या फिर हम जैसा बता रहे हैं उसी हिसाब से आप कंटिन्यू फॉलो करिए। तो यहाँ में आपको तीन बोर्ड दिखेंगे, एक कंट्रोलर बोर्ड है और एक IPU बोर्ड है और एक BQ बोर्ड है। तीन बोर्ड है, इसमें तीन बोर्ड यहाँ में दिख रहा है आपको, और प्लस आपका कंट्रोलर बोर्ड में यहाँ में रैम लगा है और एक हार्ड डिस्क है। और यहाँ में देखेंगे आपको डिस्प्ले का जो केबल जाता है आपका डिस्प्ले पैनल के लिए, वो केबल है। और बाकी यहाँ में आपका पावर सप्लाई से केबल आया वाला है। और यहाँ में आपको फ्लैट केबल भी दो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक BQ से IPU में आया है और एक BQ से IOB में गया है। और यहाँ में देखेंगे कंट्रोलर बोर्ड है जो आपको यहाँ में दिख रहा है, ये आपका जो राइट साइड का है वो कंट्रोलर बोर्ड है, जिसमें कि रैम लगा रहता है। और वहाँ में देखेंगे हार्ड डिस्क कनेक्शन भी कंट्रोलर बोर्ड में ही लगा रहता है। और क्या करेंगे आप यहाँ में अच्छे से देखिएगा, और ये जो आपका कम्युनिकेशन है आपको प्रॉपर से एक बार चेक करना है और अच्छे से एक बार क्लीन करना है। और इसमें जो आपका एरर कोड शो कर रहा था 672-11, वो आपका क्या चीज़ का है, आपका डिस्प्ले पैनल का केबल का है। डिस्प्ले केबल प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ऐसा आएगा और आपका स्टार्टअप में प्रॉब्लम करेगा। तो वो क्या करता, वो कंट्रोलर को स्टार्ट नहीं कर पाता, कंट्रोलर स्टार्टअप एरर आ जाता। और यहाँ में देखेंगे जो रैम है, रैम का वजह से भी प्रॉब्लम आता है, जिसका वजह से वो स्टार्टअप नहीं हो पाता। और जिसमें कि हम लोग चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, IPU बोर्ड और यहाँ में सब कुछ चेक करेंगे। तो यहाँ हमने एक बार चेक कर लिया है और एक बार मशीन को हम लोग ऑन करेंगे, हमको ऑन करके दिखाएंगे यहाँ में। ये देखिए, हमने यहाँ में ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ में आपको डिस्प्ले आपका प्रॉपर ओपन हो गया है। पहले क्या था, पहले प्लीज़ वेटिंग में रुका था काफ़ी देर से, और रुकने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि हर बार आप कितना भी बार ऑफ करिए ऑन करिए सेम वही प्लीज़ वेटिंग पे रुका था, और ये सेम प्रॉब्लम बार बार दिखा रहा था। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसा किया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये कस्टमर का मशीन आया था बनने के लिए हमारे पास, जो कि काफ़ी पुराना मशीन था, बारिश की वजह से भीग गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि कंट्रोलर बोर्ड, IPU बोर्ड और BQ बोर्ड और दोनों फ्लैट केबल ख़राब हो गए थे, रैम वगैरह भी सब कुछ ख़राब हो गया था, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए एक बार हम मशीन का बैक साइड में जाते हैं और बैक साइड से आपको आसानी से दिखाएंगे तो कैसा हम लोग किया इसमें। और यहाँ में देखेंगे कंट्रोलर बोर्ड में जो लाइट जलता है और IPU बोर्ड में जो लाइट जलता है, BQ बोर्ड में जो लाइट जलता है, आपको यहाँ में देखिए बराबर से ब्लिंकिंग कर रहा है, कहीं भी मिसिंग नहीं है। आपको लाइट जला के भी दिखा दे रहे हैं हम यहाँ में देखेंगे, ये देखिए। और एक्चुअली ये जो एरर कोड आ रहा है वो आपको सिर्फ 3 से 4 चीज़ चेक करना है। एक कंट्रोलर बोर्ड का चेक करना है प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, दूसरा आपका बोर्ड प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं है, और डिस्प्ले केबल हार्नेस वगैरह सब ठीक है कि नहीं है, और कंट्रोलर LED और आपका ये सब एक बार चेक है कि सही है कि नहीं है। आप एक बार प्रॉपर से चेक करिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप कंट्रोलर बोर्ड को रिप्लेस करिए। और यहाँ में देखेंगे BQ बोर्ड में जो लाइट भी कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है,
नहीं तो आपको हमेशा देखने को मिलता होगा 2 लाइट ब्लिंकिंग, 3 लाइट ब्लिंकिंग, 4 लाइट ब्लिंकिंग, 4 बार ब्लिंक करेगा या 3 बार ब्लिंक करेगा तो आपको अपने आप से बंद हो जाए, कुछ देर रुक के होल्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना, कंटिन्यू ब्लिंक करना। और कंट्रोलर बोर्ड का भी लाइट है, अभी देखिए मशीन वर्किंग कंडीशन में है, हम आपको दिखा रहा है एकदम ऐसा ही प्रॉपर ब्लिंक करता है, जो कि ऐसा ब्लिंक करेगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखिए मेरा मशीन 100% चल रहा है, तो आप एक बार कम्युनिकेशन को चेक करिए, रैम वगैरह सब क्लीन करिए, फ्लैट केबल वगैरह सब क्लीन करिए, क्योंकि केबल की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।